नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पाइपलाइन क्लीनिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला और आप सभी के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। इसका जवाब मैं उस वीडियो में नहीं दे पाया था, तो इस वीडियो में मैं वो जानकारी दूंगा आपको। और यदि आपके एरिए में कोई भी पाइपलाइन क्लीनिंग करने वाला नहीं है तो आप किस तरीके से अपने पाइपलाइन को क्लीन कर सकते हैं, और मतलब अगर आपके एरिए में अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरीके से अपना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वाटर टैंक क्लीनिंग हर 6 मंथ पे एक बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वाटर टैंक नहीं क्लीन रहता है तभी हमारे पाइप्स में जाम होने के चांसेस होते हैं, टोटी से कम पानी आते हैं। अब दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी एक साइट दिखाया था जिसमें पाइपलाइन क्लीनिंग मैंने किया था, तो आप देख सकते हैं कि टोटी से कितना ज़्यादा मतलब ब्लैक कार्बन्स आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, आपके पाइप्स जाम हो जा रहे हैं और आप उसको क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास से आपको ब्लू स्काई हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल का आपको केमिकल मिल जाएगा और आपको उसको ट्राई करना है। और दोस्तों, क्योंकि उसको आप वाटर टैंक क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको पाइप में भी, एयर पाइप जो होता है आपको शायद पता होगा एयर पाइप, ठीक है। अभी मैं ऊपर छत पे जाके आपको साइड पे दिखा भी दूंगा कि एयर पाइप किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको एयर पाइप में उसको डालना होता है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस है वो भी आप जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ छोटा मोटा प्रॉब्लम है मतलब ये पाइप जाम का, ठीक है, और अपने पाइप को आप क्लीन करना चाहते हैं तो आप ये तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आप हमारे केमिकल को भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लू स्काई का हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल, जो कि अभी मैं आपको पूरी ट्रेल दे दूंगा। तो अभी हम एयर पाइप के पास पहुंच गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं एयर पाइप, ये इसको एयर पाइप बोलते हैं जो ऊपर की तरफ निकला रहता है एक, ठीक है। और आपको साइड में वहाँ पे नीचे देखिए जो वॉल होता है टंकी का, उसको क्लोज कर देना होता है, क्योंकि दोस्तों उसको क्लोज इस वजह से करना होता है ताकि टंकी का पानी जो है वो पाइप में ना जाए और आप जो केमिकल डालें वो केमिकल पानी से मिलकर डाइल्यूट ना हो और केमिकल वो है पाइप में जाके क्लीनिंग कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास से ये आपको ब्लू स्काई का हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अब इसको वॉल को बंद कर देना है। सबसे पहले आपको इस वॉल को बंद कर देना है, इससे क्या है टंकी का पानी पाइप में ना जाए, ठीक है। अब हमें एयर पाइप में क्या करना है कि अगर आपके एरिया में कोई मिल जा रहा है, ठीक है, जैसा केमिकल, अगर इस तरीके से पाइपलाइन क्लीनिंग वाला केमिकल मिल जा रहा है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे ब्लू स्काई को ट्राई करिए और उसको पाइप में, एयर पाइप जो होता है उसमें डालिए। और दोस्तों, मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस तरीकों को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों यही तरीका है जिससे आप अपने पाइपलाइन को क्लीन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एयर पाइप में जब आपने केमिकल को डाला, ठीक है, और आपने टंकी के पानी के वॉल को बंद कर दिया है, तो सबसे पहले जब आप कम से कम 3 से 4 लीटर आपने एयर पाइप में डाल दिया तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जब आपने 3 से 4 लीटर एयर पाइप में डाल लिया तो आपको नीचे पहुंच जाना है और धीरे धीरे करके सारी टोटियां खोलना है, ठीक है। शुरुआत में कोई भी टोटी खुली नहीं रहनी चाहिए, जिससे क्या है केमिकल सारा बह जाएगा तो फिर आपका क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीचे जानी है और कोई भी बाथरूम या फिर किचन या कहीं के भी टोटी जो भी है वहाँ पे आपको टोटी को खोलना है, और जब तक खोलिए जब तक क्या है कि टोटी से केमिकल मतलब केमिकल ना निकलने लगे, आपको ब्लैक ब्लैक ना निकलने लगे तब तक आप उसको खोले रहिए, ठीक है। मतलब पानी को पूरा निकाल दीजिए, जितने भी पाइप में जितना भी पानी है उसको निकाल दीजिए और जो केमिकल है उसमें केमिकल जो है वो केमिकल कम से कम 15 से 20 मिनट पाइप में होना चाहिए, उसको टिकाए रखिए उस पाइप में ताकि वो असर कर सके, और 15 से 20 मिनट के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटी को खोलना है और जब तक पानी निकल रहा है तो पानी को निकल जाने दीजिए, ठीक है, और जब केमिकल आने लगे तो उसी वक्त टोटी को बंद कर दीजिए, जिससे क्या है कि पाइप में आपका 15 से 20 मिनट तक केमिकल रहेगा, तो उससे क्या है जो भी पाइप में जाम्स होंगे उसको वो क्लीनिंग करेगा, है ना। और उसको दोस्तों, अगर ज़्यादा जाम होता है तो हम इसमें गैस प्रेशर का प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, गैस प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी कचड़े फंसे रहते हैं पाइप में वो निकालने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ माइनर प्रॉब्लम है तो ही आप इस तरीके को अपनाइए, ठीक है, और पाइप को क्लीन करिए। और अगर दोस्तों आपको कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है क्लीनिंग करने का तो आप ये तरीका भी ट्राई कर सकते हैं, एक तरीका है ना। अगर आपके एरिया में कोई मिल नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है इसको क्लीनिंग करने वाला, तो आप ये हमारा ट्राई कर सकते हैं और ये 100% वर्किंग है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और दोस्तों जैसे ही 10-15 मिनट हो जाएंगे केमिकल मतलब पाइप में रह जाएगा, ठीक है, उसके बाद 10-15 मिनट बाद आपको क्या करना है कि टोटी को खोलिए, ठीक है, टोटी को खोलिए और एक बंदे को भेज दीजिए ऊपर, जो आपने टंकी का जो पानी आपने लॉक किया था उसको खोल देना है ताकि वो प्रेशर के साथ बाहर निकले, टंकी पूरी भरी हो तो ज़्यादा सही रहेगा, प्रेशर के साथ पानी जब बाहर मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या जितने भी कचड़े रहेंगे
तो वो टोटी के रास्ते निकल जाएंगे। दोस्तों यदि आपके मतलब पाइप्स ज़्यादा जाम हो सकते हैं तो इस स्थिति में अगर आपके पास एक प्लम्बर हो तो प्लम्बर हायर करके नॉर्मल प्लम्बर आप टोटी को भी खुलवा सकते हैं। टोटी पूरा मतलब खोलने की बात मैं कह रहा हूँ, टोटी को पूरा खोल दीजिए और इससे क्या होगा कि मतलब पाइप्स जो है वो आपके मतलब टोटी जो है वो ज़्यादा नहीं फटेगा और मतलब पाइप सीधे पाइप से जो भी गंदगी है वो पाइप से सीधे निकल जाएगा, है ना, टोटी टोटी जब खुल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको टोटी खोलने आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टोटी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, टोटी को कोई भी खोल सकता है, बस आपके पास टेप्लॉन वगैरह होना चाहिए उसको दोबारा फिटिंग करने के लिए, और इसमें सलाई रिंच का यूज़ किया जाता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ब्लू स्काई का हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल आपको 500 रुपये में 5 लीटर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों डिलीवरी के साथ एडेड है। ठीक है, मैं डिलीवरी चार्ज ऐड करके आपको बता रहा हूँ और ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और जब भी आप हमारी बात हो जाती है, सब कुछ डील डन हो जाती है, तो आप जैसे ही आपका पेमेंट वगैरह का तरीका मतलब हो जाता है तो आपको 5 से 6 दिन में ये केमिकल आपको डिलीवर हो जाता है। दोस्तों ये ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को डिलीवर कराया है और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कस्टमर हैं तो उसके लिए मैं अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की क्या ज़रूरत है, आप चाहें तो आप मुझे ही कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपके शहर में क्या है कि कोई केमिकल ऐसा अवेलेबल मिलता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारा केमिकल ट्राई करिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, जो कि वाटर टैंक क्लीनिंग मैं खुद कराता हूं, तो इतना तो आप हमारी वीडियोज़ में देख ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं पाइपलाइन क्लीनिंग के और वाटर टैंक क्लीनिंग के, तो आप हमारे चाहें तो सारी वीडियोज़ को विजिट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और ये तरीका आपको बेस्ट है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं और इसमें ज़रूर 100% आप सेटिस्फाई होंगे, आपका क्लीनिंग 100% होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मैं खुद साइट जाता हूँ जब कस्टमर का ये ऐसी समस्या आ जाती है कि वो पाइपलाइन क्लीनिंग कराना चाहता है। ठीक है, तो हम केमिकल का जो चार्ज रहता है वो चार्ज ऐड कर लेते हैं और बाकी कुछ और चार्जेस ऐड कर लेते हैं जो टाइम जिस हिसाब से लगता है, है ना। तो ऐसा हम करते हैं, आप भी इस तरीके से अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और यदि आप एक वाटर टैंक क्लीनर यानी आप एक बिजनेस करने वाले हैं तो भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।